अंजलि शेफाली और सुमित्रा भगवान राम के मंदिर में हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। पंडित जी उनके पास आकर कहते हैं, तुम तीनों भगवान राम के सच्चे भक्त हो। मैं हर रोज भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि वो तुम तीनों का हर एक सपना पूरा करें। ये सुनकर अंजलि ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। लेकिन अंजलि मन ही मन तड़प रही है। सिर्फ वही नहीं, शेफाली और सुमित्रा भी गहरी सोच में है। वो तीनों आज यहाँ पर भगवान की पूजा करने नहीं आए हैं, उनका मकसद कुछ और है। पंडित जी कहते हैं, शाम हो गई है, चारों तरफ चोरों चक्के घूम रहे हैं आजकल, तुम तीनों भी अब घर लौट जाओ। ये बोलकर पंडित जी चले गए। उन्होंने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। अंजलि शेफाली और सुमित्रा मंदिर के बाहर खड़े रहे। वो लोग भगवान राम के माथे पर जो सोने का मुकुट है उसे देखने लगे और फिर शेफाली ने अपने बालों से पिन निकालकर मंदिर के दरवाजे का ताला खोल दिया और उसके बाद तीनों ने भगवान राम के माथे से सोने का मुकुट ले लिया। हे भगवान, हमें माफ करना, हम मजबूर हैं, आप तो सब कुछ जानते ही हो। तीनों रोने लगे। असल में तीनों एक ही घर की बहुएं हैं। रमेश, राजेश और राघव नाम के तीन भाइयों के साथ इन तीनों की शादी हुई थी, लेकिन घर में कभी भी शांति नहीं थी। तीनों भाई नशेड़ी थे और बार बार अपनी बीवियों से पैसे मांगते रहे। अंजलि, पैसे दे पैसे, मुझे और नशा करना है। पैसा कहाँ से आएगा मेरे पास? वो सब मुझे क्या पता, पैसे नहीं तो मार खाएगी मेरे हाथ से, दे। ऐसे ही अंजलि, शेफाली और सुमित्रा मार खाते रहे। घर चलाने के लिए अंजलि, शेफाली और सुमित्रा ने एक फैक्ट्री में काम भी ढूंढ लिया, लेकिन फैक्ट्री से काम करके लौटने पर ही रमेश, राजेश और राघव पैसे मांगने लगे। आज कितनी कमाई हुई है? ज्यादा नहीं, 200 हुए हैं। ठीक है, वो सब हमें दे दो। घर में खाने का कुछ नहीं है, आटा खरीदना है, उसके लिए पैसे चाहिए। लेकिन नशेड़ियों को ये सब कहाँ समझ में आता है। तीनों हर रोज पैसे छीनने लगे और सारे पैसे नशे में ही उड़ा देने लगे। तीनों भाई बहुत कंजूस थे। अपनी बीवियों के पीछे वो लोग एक भी पैसा खर्चा नहीं करते थे। एक दिन अंजलि बहुत बीमार हो गई। उसने रमेश से पैसा मांगा, लेकिन रमेश ने कहा, डॉक्टर दिखा के क्या होगा, तुम राम के भक्त हो ना, उन्हें बुलाओ, तबीयत ठीक हो जाएगी। ये सुनकर बाकी दो भाई भी हंसने लगे। वो लोग भगवान को नहीं मानते, लेकिन अंजलि, शेफाली और सुमित्रा भगवान राम की भक्त थे, इसीलिए तीनों हर रोज शाम को मंदिर जाकर पूजा करते थे। इससे स्वयं भगवान राम भी संतुष्ट थे। वो स्वर्ग से सब कुछ देख रहे थे। वाह, इन तीनों की भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। तभी वहाँ हनुमान जी आए और उन्होंने कहा, प्रणाम प्रभु, मैं धरती लोक से आ रहा हूँ। धरती लोक में दिन ब दिन पापियों की संख्या बढ़ रही है। मुझे पता है हनुमान, लेकिन तुम इन तीनों को देखो, इस पाप से भरे हुए पृथ्वी में ये तीनों कितने मासूम हैं। मुझे इन तीनों के बारे में पता है प्रभु, इनके पतियों ने इनका जीना हराम कर दिया है, क्या आप इनकी मदद नहीं कर सकते? कर सकता हूँ और करूँगा भी, लेकिन इन तीनों को परीक्षा देनी होगी। मुझे देखना होगा कि ये तीनों मुश्किल से मुश्किल वक्त में अपने वसूलों पर टिके रहते हैं या नहीं। भगवान तो ऐसे ही सबकी परीक्षा लेते हैं, ये अंजलि, शेफाली और सुमित्रा को भी पता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उनके लिए अपने उसूलों पर टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर रोज नशा करने की वजह से रमेश की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो रात भर दर्द से चिल्लाता रहता है, आह, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सुबह रमेश को लेकर अस्पताल जाया जाता है और डॉक्टर साहब कहते हैं, देखिए इनका लीवर खराब हो गया है, लीवर ट्रांसप्लांट करना होगा, उसके लिए एक हफ्ते के अंदर 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। 5 लाख रुपए के बारे में सुनकर तीनों की हालत खराब हो जाती है। वो तीनों फैक्ट्री में ओवरटाइम करके थोड़ा ज्यादा पैसा घर लेकर आते हैं, लेकिन तभी राजेश और राघव उनसे पैसे मांगते हैं। हमें पैसे दो जल्दी। नहीं, ये पैसे तुम्हारे भैया के लिए हैं। अरे भैया के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, वो भी एक हफ्ते के अंदर, ये 500 रुपए जमा करके क्या होगा। ये बोलकर राजेश और राघव पैसे छीन लेते हैं। अंजलि रो पड़ती है, मैं उन्हें कैसे बचाऊंगी, अब क्या होगा। तब शेफाली कहती है, अंजलि दीदी, हमें कुछ तो करना होगा, चलो कल मंदिर जाकर अच्छे से पूजा करते हैं। अगले दिन मंदिर जाकर पूजा करते हुए अंजलि की नजर भगवान राम के सोने के मुकुट पर पड़ती है।
और तीनों मिलकर सोने के मुकुट को चुराने का प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के हिसाब से वो तीनों आज मंदिर में आए हुए थे और पुजारी जी के जाने के बाद उन लोगों ने मंदिर में घुसकर भगवान राम की मूर्ति से मुकुट उतार लिया और तभी तीनों को रोना आ गया। हमें क्षमा कीजिएगा प्रभु, हमें पता है कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। तीनों मुकुट लेकर मंदिर से चले गए। स्वर्ग में बैठकर भगवान राम और हनुमान जी सब कुछ देखते रहे। ये क्या प्रभु, तीनों ने तो सच में आपका मुकुट चुरा लिया। आगे देखते हैं हनुमान, मुझे पता है कि ये तीनों कुछ भी करे लेकिन चोरी नहीं कर सकते। उधर तीनों मुकुट लेकर चलते रहे और घर पहुंच गए। प्लान के मुताबिक तीनों को मुकुट बेचना था लेकिन उनका मन नहीं माना। मेरा मन नहीं मान रहा है, चोरी के पैसों से कभी किसी का भला नहीं हो सकता, और वो भी भगवान राम जी के मंदिर से। हाँ तुम दोनों सही कह रही हो, मेरा भी मन नहीं मान रहा है, चलो इस मुकुट को मंदिर में वापस ले जाते हैं। वो तीनों बाहर निकल गए लेकिन तभी राजेश और राघव ने उनके हाथ में वो मुकुट देख लिया। अरे ये क्या, सोने की मुकुट, वाह वाह, वो तो मुझे चाहिए। मुझे भी, उसे बेचकर बहुत पैसे मिलेंगे। दोनों का मन लालच से भर गया और वो दोनों उन तीनों के सामने जाकर मुकुट मांगने लगे, लेकिन अंजलि ने साफ साफ मना कर दिया। नहीं, तुम लोगों को ये मुकुट नहीं मिल सकता, मैं ये कभी नहीं दूंगी। अच्छा नहीं देगी? ये बोलकर राजेश ने अंजलि को धक्का मार दिया और उसके हाथ से मुकुट लेकर राजेश और राघव भाग गए। रुकिए रुकिए, वो मुकुट भगवान राम जी का है, वापस लाइए। लेकिन वो दोनों बात सुनने के मूड में ही नहीं थे, वो दोनों भाग गए। अंजलि शेफाली और सुमित्रा रो पड़ी। अब हमें मुकुट कैसे मिलेगा, हम मंदिर में मुकुट कैसे लौट आएंगे। तीनों रोते हुए मंदिर में पहुंच गए और पूरी रात भगवान राम की मूर्ति के सामने बैठकर क्षमा मांगते रहे। उधर राजेश और राघव मुकुट लेकर अस्पताल पहुंच गए और राघव से कहा, भैया ये देखो हमें क्या मिला है, इसे बेचकर बहुत पैसे मिलेंगे और उन पैसों से हम कितनी मस्ती करेंगे। ये सुनकर रमेश ने दर्द भरी आवाज में कहा, नहीं भाइयों, मैं अब समझ रहा हूँ कि नशा करना कितनी बुरी चीज होती है, मैं पछता रहा हूँ, तुम दोनों इस रास्ते से दूर हो जाओ। ये क्या बोल रहे हो भैया, तुम रहो इधर, जो करना है हम दोनों ही करेंगे। ये बोलकर दोनों उस मुकुट को बेचने के लिए निकल गए। उधर मंदिर में तीनों सुबह तक रोए और सुबह पंडित जी आ गए। क्या बात है, तुम तीनों यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो। अंजलि अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने पंडित जी को सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनकर पंडित जी ने कहा, ये तुम लोगों ने बहुत गलत काम किया है, ये पाप है पाप। हमें पता है पंडित जी, हम इसका प्रायश्चित करेंगे, मैंने इन्हीं हाथों से मुकुट उतारा था, ये हाथ में काट कर फेंक दूंगी। मंदिर में फल काटने वाला चाकू पड़ा हुआ था, अंजलि ने उस चाकू को उठा लिया। मैं भी अपना हाथ काट दूंगी, हाँ मैं भी। उन दोनों ने भी एक एक चाकू उठा लिया और तीनों अपने अपने हाथ काटने की कोशिश करने लग गए, लेकिन उनके हाथों पर एक खरोच तक नहीं आई और तभी एक चमत्कार हो गया, स्वयं राम जी वहां प्रकट हो गए। तुम लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों से गुस्सा नहीं हूँ। सभी आश्चर्यचकित हो गए। अंजलि ने कहा, लेकिन प्रभु हमने पाप किया है। इंसान को पाप करने की इच्छा तो होती है, लेकिन वो अपने आप को पाप करने से कैसे रोकता है, उसी से उसकी इंसानियत की पहचान होती है। तुम लोगों ने चोरी की, लेकिन तुम लोग उस मुकुट को वापस भी तो ला रहे थे। लेकिन हम उसे वापस नहीं ला पाए। तुम लोग उसकी चिंता मत करो, पीछे मुड़कर देखो। सभी ने पीछे मुड़कर देखा। हनुमान जी हाथ में मुकुट लेकर खड़े हैं और उन्होंने अपनी पूंछ से राजेश और राघव को पकड़ कर रखा है। हमें छोड़ दीजिए, हम ये सब नहीं करेंगे। राजेश और राघव ऐसे ही रोने लगे। राम जी ने कहा, हनुमान उन दोनों को छोड़ दो, उनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, और अंजलि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम लोगों की गरीबी भी खत्म हो जाएगी, तथास्तु। ये बोलकर राम जी अदृश्य हो गए। रमेश सच में ठीक हो गया और उन लोगों के पास बहुत पैसे आ गए। इसके बाद से रमेश, राजेश और राघव ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। अंजलि शेफाली और सुमित्रा मंदिर में राम जी की सेवा में ही लगे रहे और इस तरह राम जी ने अपने भक्तों को सही दिशा दिखाई।
जानकी देवी घर के बाहर बैठकर खाना खा रही थी। इतने में वहां पर एक कुत्ता आया और जानकी देवी के सामने अपनी दुम हिलाता रहा। जानकी देवी को कुत्ते पर दया आई। हाय राम, लगता है ये कुत्ता बहुत भूखा है, मैं एक रोटी दे देती हूँ इसे। जानकी देवी कुत्ते को एक रोटी दे देती है और कुत्ता मजे से रोटी खाने लगता है। मगर उसी वक्त वहां जानकी देवी की बहू उर्मिला चली आती है और ये देख लेती है। ये देखते ही उर्मिला गुस्सा हो जाती है और जानकी देवी को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। हाँ हाँ, सब कुछ लुटा दीजिए, सब कुछ दे दीजिए इन कुत्तों को, हमारे पास तो जैसे दुनिया भर का खाना है ना। ये कैसी बातें कर रही हो उर्मिला, ये तो बेबस जानवर है, ना कुछ बोल सकते हैं ना ही कुछ मांग सकते हैं, इनको खिलाने से पुण्य मिलता है बहू, इस उम्र में पुण्य कमा के क्या करेंगी, कुछ दिनों बाद तो मरना ही है आपको। ये बोलकर उर्मिला घर के अंदर चली जाती है। उर्मिला की बातें सुनकर जानकी देवी को बुरा लगता है। वो बूढ़ी हो गई है तो क्या अपनी मर्जी से कुत्ते को एक रोटी भी नहीं दे सकती? कुत्ते ही क्यों, किसी भिखारी को भी उर्मिला एक पैसा नहीं देने देती। उर्मिला बहुत कंजूस है। उर्मिला की एक 4 साल की बेटी है, उसका नाम है राधा। राधा बिस्तर से उठ नहीं पाती है क्योंकि वो बीमार है। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। राधा, आज तबीयत कैसी है बेटी? अच्छी नहीं है माँ। रुक जा, मैं तेरे लिए खाना बना कर लाती हूँ। नहीं माँ, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। अरे पहले देख तो मैं क्या बना कर लाती हूँ। उर्मिला राधा के लिए अच्छा खाना बना कर लाती है, मगर राधा खाने से मना कर देती है। उर्मिला बस इसी बात को लेकर परेशान रहती है, पता नहीं मेरी बेटी कैसे ठीक होगी। उर्मिला राम जी की बहुत बड़ी भक्त है। वो हर रोज भगवान राम की पूजा के लिए मंदिर जाती है, मगर वो इतनी कंजूस है कि भगवान को चढ़ाने के लिए सिर्फ फल का एक ही टुकड़ा लेकर जाती है। हे राम जी, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा घर धन दौलत से हमेशा भरा रहे और मेरी राधा बेटी ठीक हो जाए। अरे कंजूस औरत, थोड़ा तो शर्म कर, राम जी को चढ़ाने के लिए बस फल का एक टुकड़ा लाई है और धन दौलत की मांग कर रही है। अरे पुजारी जी, ज्यादा कुछ चढ़ा के क्या फायदा, राम जी खुद तो खाएंगे नहीं, यही आसपास के लोग खाएंगे, मैं उन सबको क्यों खिलाऊं। उर्मिला की बात सुनकर पुजारी जी ताज्जुब रह जाते हैं। वो कहते हैं, तो क्या हुआ, राम जी तो यही चाहते हैं, राम राज्य में कोई भी भूखा पेट नहीं सोता। देखिए पुजारी जी, वो सब मुझे नहीं पता, मेरा तो ये मानना है कि खुद का पैसा इधर उधर नहीं लुटाना चाहिए। ये बोलकर उर्मिला राम जी को चढ़ाया हुआ फल का टुकड़ा भी खुद खा लेती है और वहां से चली जाती है। हे राम, ये औरत कितनी कंजूस है, इससे ज्यादा कंजूस इंसान मैंने कभी नहीं देखा। हे राम जी, इसे सही रास्ता दिखाइए। उर्मिला घर चली आती है और देखती है कि घर के बाहर उसकी सास कुत्ते को पानी पिला रही है। ये देखकर उर्मिला गुस्से से लाल हो जाती है और अपनी सास से कहती है, ये क्या कर रही हैं आप, आपका दिमाग नहीं काम करता है क्या, बेशर्म औरत कहीं की। अब क्या हो गया बहू, पानी ही तो पिला रही हूँ। पानी भी मुफ्त में आता है क्या, सुबह सुबह जाकर लाना पड़ता है और वो भी आप कुत्ते को पिला रही हैं। अरे शुक्र कीजिए कि आपको पानी पीने के लिए मिलता है, ज्यादा मनमर्जी करेंगी तो आपको भी पानी नहीं मिलेगा। हाँ ये क्या बात हुई बहू, पानी देने में भी कंजूसी। हाँ मैं कंजूस हूँ, आपको ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, चुप रहिए वरना लात मार के घर से निकाल दूंगी। उर्मिला घर के अंदर चली जाती है। उसी दिन दोपहर को एक अंधा भिखारी घर के बाहर आता है और भीख मांगता है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, इस अंधे को कुछ दे दो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अंधे भिखारी को देखकर जानकी देवी को दया आती है और वो उर्मिला से पैसे मांगने जाती है। उर्मिला अपने कमरे में आराम कर रही थी। जानकी देवी कमरे के अंदर जाती है और बोलती है, बहू कुत्ते को तो तूने खिलाने नहीं दिया, मगर एक अंधा भिखारी आया है, उसको तो कुछ पैसे दे दे। पैसा क्या पेड़ में उगता है, उसे बोलिए खुद काम करके पैसे कमाए। अरे बहू वो बेचारा अंधा है, वो कैसे काम करेगा। वो सब मुझे नहीं पता, मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, भाड़ में जाए वो और आप भी। जानकी देवी उर्मिला के कमरे से चली जाती है और अंधे भिखारी के पास जाकर कहती है, माफ कीजिएगा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, भगवान आपका भला करे। ये बोलकर वो भिखारी वहां से चला जाता है। जानकी को बहुत बुरा लगता है।
उसकी बहू की कंजूसी अब सीमा से बाहर जा रही है। हे राम, मैंने जिंदगी में बहुत कंजूस देखे हैं, मगर इसके जैसा कंजूस तो मैंने जिंदगी भर नहीं देखा। हे राम जी, कृपा कीजिए, मेरी बहू को सही रास्ता दिखाइए। उधर उर्मिला अपने कमरे में सो रही है और नींद में बात कर रही है। हे भगवान, धन दौलत दीजिए, ज्यादा से ज्यादा धन दौलत दीजिए। इतने में राम जी उर्मिला के सपने में आते हैं और उर्मिला से कहते हैं, उर्मिला, तुम मुझसे हर रोज धन दौलत की मांग करती रहती हो, मगर असली धन दौलत सबको नहीं मिल पाती है। मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, मगर उससे पहले तुमको गरीबों की मदद करनी होगी। कल सुबह से तुम्हारे घर में जितने भी भिखारी आएंगे, उन सभी को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ये मेरा आदेश है। ये बोलकर भगवान राम चले जाते हैं। उर्मिला की नींद टूट जाती है और वो बिस्तर से उठ जाती है। ये क्या देखा मैंने, भगवान राम स्वयं मेरे सपने में आए, मगर ये क्या आदेश दिया उन्होंने, इससे तो मेरा जमाया हुआ सब कुछ खत्म हो जाएगा। उर्मिला जानकी देवी के पास जाती है और अपने सपने के बारे में कहती है। सब कुछ सुनकर जानकी देवी कहती है, जय श्री राम, ये तो बड़ी अच्छी बात है बहू। अच्छी बात? घर का सारा पैसा अगर खत्म हो गया तो हमें भीख मांगनी पड़ेगी। अरे बहू, भगवान राम जी का आदेश है, वो तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो मानना ही पड़ेगा। और तू चिंता क्यों कर रही है, कल पूरे देश में हड़ताल है, ज्यादा लोग घर से नहीं निकलेंगे। ये सुनकर उर्मिला खुश हो जाती है। आखिर हड़ताल के दिन कोई भिखारी कैसे निकलेगा भीख मांगने, और अगर एक दो आ भी गए तो क्या, कुछ पैसा देकर भगा दूंगी। इसी तरह भगवान राम का आदेश मानना भी हो जाएगा और मेरा पैसा भी बच जाएगा। अगले दिन सुबह उर्मिला घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। वो डरी डरी सी है, बस एक ही बात उसके दिमाग में चल रही है, बस ज्यादा पैसे ना देने पड़े। इतने में एक भिखारी आता है और भीख मांगता है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे सुबह सुबह आ गया एक, रुको देती हूँ। ये बोलकर उर्मिला उस भिखारी को कुछ पैसे भीख देती है। वो भिखारी वहाँ से चला जाता है। बस कुछ पैसे देकर भगा दिया। राम जी ने कहा था कि कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं। बस और कोई ना आए। उर्मिला ये सोच ही रही थी कि इतने में एक और भिखारी वहाँ आता है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे ये क्या, एक और आ गया, रुको देती हूँ। उर्मिला घर के अंदर जाती है और कुछ पैसे लाकर देती है। वो भिखारी भी चला जाता है। बस अब और ना आए। उसी वक्त एक और भिखारी आता है और भीख मांगता है। अरे ये तो एक के बाद एक आ रहे हैं, अजीब बात है, दूसरे दिन तो ऐसा नहीं होता। उर्मिला घर के अंदर पैसे लेने जाती है और पैसे लेकर बाहर आकर वो चौंक जाती है, क्योंकि बाहर भिखारियों की लाइन लग गई है। सभी मिलकर भीख मांगते हैं। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटी। अरे अरे ये क्या, आज ये क्या हो रहा है, आज तो हड़ताल है, आज तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, तो आज इतने भिखारी कैसे आ गए। हाय राम, अब इन सबको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। उर्मिला सबको एक एक रुपए देती है। वो लाइन के अंत तक सभी को पैसे देती है। हाँ लो, अब हो गया, सभी को दे दिया। मगर ये बोलकर उर्मिला पीछे मुड़ती है और फिर से भिखारियों की लाइन लग जाती है। हाय हाय, ये क्या हो रहा है। उर्मिला भागकर घर से पैसे लाती है और सभी को देने लगती है, मगर अब लाइन खत्म ही नहीं होती, लाइन बढ़ती ही जाती है। और उधर उर्मिला का जमाया हुआ सारा पैसा खत्म हो जाता है। पैसा खत्म हो जाने के बाद उर्मिला सबको खाना देने लगती है, मगर कुछ देर बाद वो भी खत्म हो जाता है। उर्मिला जानकी देवी के पास जाती है और कहती है, माँ सारा पैसा सारा खाना खत्म हो गया, लेकिन भिखारियों की लाइन खत्म ही नहीं हो रही, अब क्या करूं। मगर इतने भिखारी आए कहां से बहू, मुझे लगता है कि ये भगवान राम जी की ही माया है। जानकी और उर्मिला घर के बाहर आते हैं और हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। हे भगवान, हमारे पास और कुछ नहीं बचा है, अगर आप चाहते हैं तो ये घर भी ले लीजिए। तभी इतनी लंबी लाइन गायब हो जाती है और भगवान राम प्रकट होते हैं। उर्मिला, मैं ही भिखारी बनके तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुमने मेरी बात मानी और सभी को कुछ ना कुछ दिया,
मैं प्रसन्न हूँ। मैं तो बस तुम्हें ये सिखाना चाहता था कि इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं है। राम राज्य में कोई भूखा पेट नहीं सोता, चाहे वो एक जानवर ही क्यों ना हो। सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तुम भी करोगी ना? उर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, करूंगी, जरूर करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे आज सब कुछ समझ में आ गया है। मैं आज से जरूरतमंदों का ध्यान रखूंगी। बहुत अच्छे, तुम्हारे सारे पैसे वापस आ जाएंगे। तुम्हारी कंजूसी की वजह से तुम्हारी बेटी ठीक नहीं हो रही थी ना, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तथास्तु। ये बोलकर भगवान राम अदृश्य हो जाते हैं और उर्मिला का सारा पैसा वापस आ जाता है। राधा भी बिल्कुल ठीक हो जाती है, वो बिस्तर से उठकर खेलने कूदने लगती है। इसके बाद से उर्मिला बिल्कुल बदल जाती है, वो दान करने लगती है, जरूरतमंदों की मदद करने लगती है, किसी को खाली पेट सोने नहीं देती है। जानकी देवी इस बात से बहुत खुश रहती हैं। दोनों खुशी से जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।